हेलो दोस्तों, मैं यानी राजन सैनी आपका आरके साइंस एकेडमी के फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कंपटीशन लेवल है वो कितना बढ़ गया है, और इसीलिए जो बच्चे हैं अब 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं कर रहे, बल्कि अब तो बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो 6 या 7 स्टैंडर्ड से ही अपनी जो प्रिपरेशन है वो शुरू करने लग गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बातें दो उठती हैं। एक तो ये कि क्या उनके पास जो है एक्यूरेसी है, और दूसरा ये कि क्या उनकी कैलकुलेशन फास्ट है। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर टाइम बाउंडेशन होती है, और टाइम बाउंडेशन के साथ साथ आपको वहां पर कैलकुलेशन फास्ट कैलकुलेशन और जो जो स्पीडी मैथ है वो उसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके साथ आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए आरके साइंस अकेडमी आज से आपके लिए स्पीडी मैथ की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उसकी एक सीरीज शुरू करने जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, हम जानते हैं जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली 4 चीज़ों पर बेस्ड है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। अब जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है उसको तो हर बच्चा आसानी से कर लेता है, लेकिन बच्चा प्रॉब्लम तब फेस करता है जहां उसको मल्टीप्लाई या डिवीजन करना हो। तो आज हम जो है सबसे पहले जो है मल्टीप्लाई की बात करेंगे, और ये हमारी मल्टीप्लाई की जो है फर्स्ट वीडियो होगी। इसके आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर है जो कई और वीडियो भी लेकर आएंगे। तो आइए हम आज पहले मल्टीप्लाई की बात करते हैं। दोस्तों, ये मैंने 2 नंबर लिए हैं 2 डिजिट के। अब आप देखेंगे कि हम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बैठें तो एक बच्चा जो है जो 6 या 7 स्टैंडर्ड का है या 10 तक भी हम देखें या 12 तक भी देखें, तो बच्चा इसको मल्टीप्लाई कैसे करता है? नॉर्मल सी बात है कि बच्चा उसी मेथड को अपनाता है जो उसने स्कूल में सीखा है। और वो मेथड है क्या, आइए हम उसको एक बार देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी चला गया, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, यहां क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसके बाद 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 2 कैरी चला गया, 4 4 16 और 2 18, और फिर इसको हम जमा भी करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेथड है वो हमारा वो मेथड है जो हमने स्कूल टाइम में सीखा है। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोट की कि क्या हमारे पास जो हमने ये मेथड अपनाया है कि क्या ये मेथड हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें सफलता हासिल दिलवा सकता है? तो आंसर है नहीं। तो सर करें क्या? तो इसीलिए हम आपके लिए एक टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें इसी की जो मल्टीप्लाई है, इसी नंबर की मल्टीप्लाई फास्ट तरीके से करनी हो तो हम कैसे करेंगे? दोस्तों, हमारी जो पहली ट्रिक है, इसके लिए आपको 2 कंडीशन जो है वो ध्यान में रखनी होंगी। वो 2 कंडीशन है क्या? पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जो ये यूनिट डिजिट है, पहली यूनिट डिजिट जो है इनका जो सम है वो 10 बनता हो। क्या बनता हो? 10 बनता हो। जैसे 5 और 5 10। इसके अलावा जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो हमारे इधर वाले जो डिजिट हैं ये जो है वो सेम हो। जैसे यहां पर 4 और 4, सपोज कीजिए यहां पर 3 और 3 होता, या फिर 2 और 2 होता, तो यानी कि वो सेम होनी चाहिए। अब हम इसमें करेंगे क्या, हम सिंपल इसको 5 5 ज़ा इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि 5 5 ज़ा 25, और इस 25 को हम ऐसे ही लिख देंगे। आप कहेंगे लेकिन सर अभी तो आंसर आया ही नहीं। तो रुकिए तो सही दोस्तों, अभी मैंने सिर्फ 5 और 5 की बात की है। अब इधर देखिए, अब आप इधर आ जाइए। अब हमने देखा कि इधर 4 और 4 है, लेकिन इस 4 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इस 4 को हम इसके अगले यूनिट डिजिट से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 का जो आगे का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 5। तो हम इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 ज़ा 20। तो देखिए दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सेम आता है। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने जैसे एग्जाम्पल लिया यहां पर 35 का। अब इसको देखिए, अपने हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स के तरीके से करेंगे कि 5 5 ज़ा 25, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12। दोस्तों, ये आपका आंसर है। इसी तरह हम कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे कि 95 इंटू 95। तो हम इसको अभी हम इसका आंसर निकालेंगे, 5 5 ज़ा 25, और 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 90।
यानी कि 9025 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर तो 5 था और आपको यहाँ पर जो है इजिली समझ में आएगा कि 5 है तो 5 × 5 = 25 कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 2 हो तो तब हम क्या करेंगे, आइए हम इसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों अब यहां पर 5 जो हमारी यूनिट डिजिट है वह यहां पर हमारे ना तो 5 है, यहां पर दोनों जगह जो है हमारा 5 डिजिट नहीं है। अब हमने लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने फर्स्ट कंडीशन जो बताई थी वो यहां पर अप्लाई हो रही है। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो ये दो डिजिट है इनका जो सम हो वो 10 बने, तो देखिए 8 और 2 = 10 हमारा सम 10 बन रहा है, तो यहां पर वो ट्रिक लग सकती है। तो हमने किया क्या, 2 8 = 16 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 72 हमारा आंसर आ गया दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर ये तो आपने 2 डिजिट का हमें करके दिखाया, लेकिन हमारे पास अगर 3 डिजिट का आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों वो भी हम करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों अब हमने यहां पर 3 डिजिट लिए हैं 105 105, अब लेकिन अपनी कंडीशंस को आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो ये हमारा फर्स्ट डिजिट है इनका जो सम है वो 10 बने, तो देखिए 5 और 5 10 बन रहा है, तो 5 5 = 25। अब इन दोनों को हम सेकंड डिजिट मानेंगे, तो हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 10 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लीजिए दोस्तों आपका ये आंसर भी आ गया। Are you getting my point? Okay. अभी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों यहां पर भी हम क्या करेंगे कि 5 5 = 25 और 11 12 = 132 यह दोस्तों आपका आंसर है। दोस्तों अगर आपको ये लग रहा हो कि नहीं कि शायद ये जो हमारा जो आंसर है वो गलत है, तो आप बेशक ही इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने मोबाइल के जो कैलकुलेटर है उसमें कैलकुलेट करके देखिए, आपको आंसर यही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की वीडियो जो हमारी कैलकुलेशन को फास्ट कर सके उससे जो रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स है उसकी वीडियो हम आपके आप तक पहुंचाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें और फॉलो करें। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पर भी एक चैनल है बेटा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको साइंस इंग्लिश मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्विजेज मिलते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू।